नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शनों के बीच साझा रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस ने समान विचारधारा वाली सभी विपक्षी पार्टियों को सोमवार को एक बैठक के लिए आमंत्रित किया। आज दोपहर 2 बजे विपक्षी दलों की बैठक होनी थी, जिसमें नागरिकता कानून, JNU हिंसा और देश के राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी, मगर उससे पहले ही कांग्रेस की अगुवाई वाली विपक्षी एकता की कवायद को बड़ा झटका लगा है। इस बैठक में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी। नागरिकता कानून को लेकर विपक्षी दलों की कवायद को ये तीसरा झटका है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती भी बैठक में शामिल न होने का ऐलान कर झटका दे चुकी है। बता दें कि CAA के खिलाफ एक संयुक्त रणनीति बनाने के लिए छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित बर्बरता के विरोध में सभी विपक्षी दल आज दोपहर 2 बजे संसद उपभवन में बैठक करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी बैठक में शामिल होने की पुष्टि नहीं की। वहीं कांग्रेस सूत्रों ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि सभी विपक्षी राजनीतिक दल इस बैठक में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नए गठबंधन साझेदार शिवसेना बैठक में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पहले ही CAA और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR को वापस लेने की मांग की है। CWC के इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करते ही कांग्रेस शासित राज्य इस संकल्प को अपना सकते हैं। CAA के खिलाफ जब विपक्षी दल राष्ट्रपति के पास गए थे, उस वक्त भी बसपा उनके साथ नहीं थी। हालांकि पार्टी ने बाद में इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भेंट की थी। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।